हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक रेसिपी ग्रीस पार्ट में, फेसबुक पेज बेकरी शेफ में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं एक सुंदर सा चॉकलेट केक, जो जिसकी आपने क्लिप पहले देख ली है। ये केक है और किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो एंड तक देखें और बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आप लोगों के लिए एक तो अब इस वीडियो के बाद लेके आने वाला कुकीज़ की वीडियो। तो आप लोगों को कुकीज़ की वीडियो किस किस को देखनी है, कुकीज़ की रेसिपी वगैरह मेन तो होगी उसमें रेसिपियाँ, तो वीडियो तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो आने वाली है कुकीज़ की। आप कौन कौन देखना चाहते हैं लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कुकीज़ की वीडियो कौन कौन। काफ़ी सारे कमेंट आएंगे तभी कुकीज़ की वीडियो आएगी जल्दी से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी लोगों को कुकीज़ की वीडियो देखने को मिल सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और पेज पे नए हैं तो फॉलो किए बिना बिल्कुल ना जाएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो इसको हम फटाफट से आइसिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट गनाश चढ़ाते हैं। तो देखिए, चॉकलेट गनाश आपका काफ़ी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा होना चाहिए। और इस तरह से आप चाहें तो इसको पूरा अपना टर्न टेबल को इधर उधर हिला के पूरा फैला सकते हैं। मैं यहाँ पे नाइफ से पूरा वो कर ले रहा हूँ, तो हमें साइडों में ज़्यादा चॉकलेट की फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कम ही फिनिशिंग। और इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं केक के साइड में कितनी हाइट है करके, 2 इंच की हाइट है, तो 2 इंच की हाइट 2 से थोड़ा सा बढ़ के था, तो मैं यहाँ पे इतना बटर पेपर पे वो लगा लेता हूँ, निशान लगा लेता हूँ ताकि हमें पता लग पाए कितना है। ये सिंपली मैंने 2 काट लिया और इसके ऊपर मैं डार्क कंपाउंड के इस तरह के से छींटे डाल रहा हूँ, और जिससे कि एक अच्छी सी डिज़ाइन आ जाती है। आप चाहे तो पाइपिंग में भर के भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है केक पे देखने को। और दोनों को इसको हम थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ देंगे, चॉकलेट सूख जाए जैसे, उसके बाद इसके ऊपर वाइट कंपाउंड इस तरीके से डाल देंगे और इसको भी नाइफ से पूरा फैला लेंगे। और फैला लेने के बाद थोड़ा सा इसका भी इंतज़ार करेंगे कि ये कब सेट हो। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये पूरा फैला लिया, और दूसरे वाले में भी इसी तरीके से फैला लेते हैं। और फिर इसको भी थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे, जैसे सेट होने लगेगा फिर हम इसको केक में लगा लेंगे। केक में लगा लेने के बाद कैसी केक की लुक आती है, बाकी ज़्यादा कोई वो वीडियो नहीं है कि ज़्यादा आपको लगेगा हार्ड है कुछ है, बिल्कुल एकदम ईजी ट्रिक है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक तो किए बिना बिल्कुल ना जाएं, आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है, एक शेयर से भी। तो बाकी हम ये जगह को साफ कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा कंपाउंड थी। तो ये देख सकते हैं, हम हाथ लगा के देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे सेट हुआ कि नहीं हो, ये सेट हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसको सिंपली हम उठाएंगे और केक पे इंस्टॉल करेंगे। देखिए केक पे किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप फिर उसके बाद कमेंट करोगे कि मेरे से ये नहीं हुआ, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो किस किस ने ये ट्रिक यूज़ की ज़रूर बताना। तो इस तरीके से हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि वो चिपक जाए चॉकलेट के साथ, जो हमारा गनाश है उसके साथ चिपक जाए इस तरीके से। पूरा देखिए ये चिपक चुका है, और अब हम छोटा पीस है जो उसको भी लगा लेंगे, अगर पूरा बड़ा हो तो और भी अच्छा है, एक साथ पूरा लग सकता है। तो यहाँ पे बड़ा पूरा नहीं था तो इसलिए मैं छोटा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास पूरा बड़ी बटर पेपर की शीट हो तो बड़ा पूरा काट लीजिए, 2 पीस में मत काटिए। ये देखिए ये भी, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख लेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। सेट होने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से इसका बटर पेपर निकालेंगे हम, और गार्निशिंग ऊपर से कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास आपसे फैन नहीं बन पा रहे तो आप दूसरी गार्निश भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को दूसरी गार्निश ऊपर से दूसरी गार्निश सिंपल सी गार्निश से डेकोरेट करना है तो आप कमेंट करके बताना। ये मैंने 5 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया, और अब देखिए बिल्कुल एक कोना बटर पेपर का पकड़ो और हल्के से खींच लो, और झटके से बिल्कुल ना करें ताकि आपके कहीं पूरी सीटी वो बाहर को निकले। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था इसको या तो पहले सीजर से काट सकते हैं, ये मैं अभी यहाँ पे इसको तोड़ लिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये देख सकते हैं, इसको अब आराम से निकाल लीजिए, बिल्कुल हमारा पूरा एक ही लग रहा है ये, और काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। देखिए पास से देखिए, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, जो छींटे लगाए उससे और भी बेस्ट लुक आ रही है। और ऊपर से हम लगाने वाले हैं इसके चॉकलेट फैन, जिसकी मैंने वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप ज़रूर से चेकआउट करें। ये देखिए
इस तरीके से दो फैन लगा लिया और एक सिगार लगा लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और अच्छा लगा कैसा लगा आपको जो भी लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जल्दी कुकीज़ की वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप कौन कौन देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनल लुक हमारे केक की ये है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो नए हैं फॉलो करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।